अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शेफ फैसल चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही लजीज और आसान चिकन स्टीम रोस्ट। इसको हम दो तरीके से बनाएंगे, एक हम इसको स्टीम करेंगे और एक मैं आपको इसको फ्राई करके सर्व करने का तरीका बताऊंगा। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक होल चिकन जो तकरीबन 1.25 किलो का है। इसके ऊपर हम डीप कट ले आएंगे ताकि मसाला जो हम इस पर मैरिनेशन करेंगे वो इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसे आप इसी अंदाज में कट ले आइएगा, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी रेसिपी को कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी, हमारा चैनल कैसा लगा। आपका फीडबैक ही हमारा हौसला बुलंद करता है। अब हम एक बॉल लेंगे, इसमें हम पानी डालेंगे तकरीबन 5 गिलास और नमक डालेंगे 2 खाने के चम्मच। अब हम इसमें सिरका शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच और एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम कट लगा हुआ चिकन इसमें डिप कर देंगे। याद रहे चिकन अच्छे से डिप हो जाए और इसको आप 1 घंटे के लिए साइड पे रख दें। इससे एक तो चिकन की स्मेल खत्म हो जाती है और चिकन अंदर से नमकीन हो जाता है। अब हम इसको पानी से निकाल के एक स्ट्रेनर में रखेंगे ताकि अच्छे से खुश्क हो जाए। चलिए इसका मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून दादर लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या हसबे जायका, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कूटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1/2 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1/2 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच, सिरका इसमें हम 4 खाने के चम्मच शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे, कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे, पीला खाने का रंग या जर्दा रंग 1 चुटकी। अब हम इस सारे मसाला जात को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये यकजा हो जाए। अब हम इस मसाले को चिकन पे अच्छी तरह से रब करेंगे ताकि ये मसाला अंदर तक जज्ब हो जाए। याद रहे चिकन पे हमने मसाला बड़े अच्छे से मुकम्मल तौर पर लगाना है, कोई हिस्सा इसका रह ना जाए। अब इस मसाले लगे चिकन को हम 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे या पूरी रात भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। चिकन को स्टीम करने के लिए एक पॉट में हम 4 गिलास पानी डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। स्टीमर के लिए स्टैंड हमने रखा है इसमें। अब हमने जिस चिकन पे मसाला लगाया था और 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था उसको हम इस स्टीमर में रख देंगे और एक धागे की मदद से इसकी दोनों टांगों को बांध देंगे जिससे इसकी शेप खराब नहीं होगी और देखने में चरगा खूबसूरत लगेगा। अब हम इस पॉट को कवर कर देंगे और 30 मिनट तक मीडियम आंच में या दरमियानी आंच में स्टीम देकर इसको गला लेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारा स्टीम रोस्ट तैयार है। इसको आप किसी भी चटनी, सॉस या रायता और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। नाज़रीन हज़रात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये हाथ की मदद से इतने आराम से टूट रहा है। चलिए दूसरे तरीके की तरफ, इसमें हमने स्टीम किया हुआ रोस्ट को फ्राई किया है। इससे चिकन बहुत ही लजीज और क्रंची हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो लोग ऑयल पसंद नहीं करते वो लोग स्टीम ही खा सकते हैं। आपका हमारा चैनल देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। आपका शेफ फैसल।